नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीतिया व्रत से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोग जानना चाहे हैं और जरूरी है जानना भी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी जीतिया व्रत के दिन क्या हमें बालों में कंघी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सिर के ऊपर से नहानी चाहिए या नहीं नहानी चाहिए, सिंदूर लगाए या ना लगाए। कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जीतिया का व्रत इस साल 2023 में 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को नहाए खाए है, 6 अक्टूबर को व्रत है और 7 अक्टूबर को पारण है। ठीक है, ऐसे में कई वीडियोज डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं एक एक महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए जीतिया व्रत के दिन, व्रत के दिन के जो नियम है वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम जान लीजिए कि व्रत के दिन शैम्पू साबुन आपको सिर में नहीं लगानी है। एक दिन पहले ही नहाए खाए के दिन हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं व्रत रखने के लिए, लेकिन सिर के ऊपर से आपको जरूर पानी डालकर स्नान करनी है। तिल के पत्ते भी लोग डालकर, तिल डालकर भी पानी में स्नान करते हैं। कई लोग खरी और तेल देते हैं, आधा शरीर भीगा रहता है और उसी में अपने सांस के लिए देते हैं जिनको सांस नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपने सिर के ऊपर से ही आपको स्नान करनी है और बालों को खुला रखनी है। बातों को ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। ठीक है, तो बाल को खुला रखने से क्या होता है, जो पानी आपके बालों से टपकता है वो ऐसा माना जाता है कि जो आपके पूर्वज हैं, पितर हैं, जो आपकी सास है उनके मुख में जाता है। तो इसलिए बालों को, जिनकी सास नहीं हो बालों को खुला रखेंगी, जूड़ा वगैरह ना बनाए, बन वगैरह पानी टपकने दीजिए, पोंछनी भी नहीं है। और जिनकी सास है वो भी सिर से ही स्नान किया जाता है जीतिया व्रत में, यही नियम है। और आप चाहे तो पोंछ सकते हैं या खुला बांध के रख सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन जिनकी सास नहीं हो बालों को खुला करके रखेंगी और आप जो है टपकने देंगी पानी सिर के ऊपर से नहाकर। क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या, आप लोग पूछे हैं दीदी जीतिया व्रत में क्या कंघी कर सकते हैं। तो देखिए जीतिया व्रत में कंघी नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाल टूटता है तो पितरों के मुंह में जाता है, मतलब उनके मुख में, तो इसलिए बाल वगैरह नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा सा सामने से चिकना कर लीजिए और आप जो है बन वगैरह बना लीजिए, बालों को ज्यादा जीतिया व्रत में तोड़नी नहीं चाहिए। एक तो जीव की हत्या हमारे द्वारा भूल कर भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के जीव हो, छोटे से छोटे जीव की हत्या हमें बचानी है। ज्यादा व्रत में आपको कार्य वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि जीतिया का व्रत जो है ना बड़ा ही कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। खुर जीतिया भी इसको कहते हैं, खर जीतिया भी कहते हैं। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके द्वारा किसी भी प्रकार की जीव की हत्या ना हो, थोड़ा सा बचा के रहिएगा। तो इसे बालों में कंघी वगैरह ज्यादा ना करें, बालों को तोड़े ना। दूसरी चीज क्या है, आप लोग पूछे दीदी व्रत के दिन क्या सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए व्रत के दिन सिंदूर लगाकर ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। शाम को ही हम पूजा करते हैं, अरियार बरियार की इसमें पूजा किया जाता है। एक पौधा होता है अरियार बरियार जिसका नाम है, उसी से हम गले मिलते हैं और बैठकर हम पूजा पाठ करते हैं, ऐपन से किया जाता है। ऐसे में वीडियो डालूंगी, पिछले साल का मेरे चैनल पे वीडियो है, आप लोग चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। और सिंपल विधि से हम लोग पूजा करते हैं, कई लोग कलश रख के भी करते हैं, तो आप जिस विधि से भी करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। और करने के बाद सिंदूर लगाकर पूजा किया जाता है, लेकिन हम लोग कोरा साड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं। आप अपने घर का देख लीजिएगा, क्योंकि ये पितृ पक्ष में पड़ता है, तो हम लोग मतलब नया चीजें अपने लिए नहीं निकालते हैं। तो ये हो गया। तो आप क्या कीजिएगा कि बैठ के वहीं पे कथा सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना जीतिया रख कर हम शाम को पूजा करते हैं। इसमें भी शाम को ही किया जाता है और दातुन वगैरह नहीं किया जाता है, खर वगैरह नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें लिखी हैं कि दीदी हम लोग चिचड़ा का या और कौन सी चीज का हम लोग दातुन करते हैं, हमारे यहाँ जीतिया में किया जाता है। तो जो होता है उसको पहले ध्यान में आप लोग रखिएगा, उसी प्रकार से कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आगे भी आपको मैं हर पूजा विधि के लिए वीडियो देते रहूं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है
और वीडियो बनाने का हिम्मत आता है, कितने भी थक के रहते फिर भी हम बना लेते हैं, तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी क्या है मैं नीचे मेंशन कर दी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, पहली चीज क्या है, सिंदूर। तो जीतिया दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, पीला सिंदूर भर सकते हैं, क्योंकि पितृ पक्ष में नियम है कि पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जीतिया जो है इतना महान व्रत है, इतना कठिन व्रत है, उस दिन आप चाहे तो सिंदूर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पीला सिंदूर भी अपने मांग में आप लोग भर सकते हैं। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो व्रत के दिन सिंदूर नहीं लगाती, वो पारण के दिन सिंदूर लगाती हैं। हम अपने घर का नियम बता रहे हैं, आप अपने घर का देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि हम बाल धोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हम शैम्पू साबुन कर रहे हैं तो मांग में तो सिंदूर रहता ही है। तो ऐसा नियम है कि जिनकी सास नहीं है वो पारण के दिन सिंदूर लगाती हैं, और जिनकी सास है वो व्रत के दिन सिंदूर लगाती हैं। तो आप अपने घर का थोड़ा सा नियम जरूर देख लीजिएगा, ये सभी कार्य हो गया। और लड़की अगर आपके पास है तो भी आप लोग व्रत रखिएगा, इस साल नया व्रत मत उठाइएगा। देखिए हर वीडियोज में बताते चलूं फिर भी ध्यान रखिएगा, लड़कियों के लिए भी ये व्रत किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको लड़का नहीं है, केवल लड़की है, तो फिर आप नहीं व्रत रखिएगा तो आपकी सास को फिर भोजन कौन देगा, प्रसाद कौन चढ़ाएगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग पूछते हैं तो इसलिए बता दे रही हूँ। अगली चीज क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। आप तुलसी जी से भी गले मिल सकते हैं, तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं अगर नहीं मिलता है तब, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता, जंगल झाड़ी में अरियार बरियार का पौधा जैसे उगा रहता है तो मिल जाता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं है। और जीतिया जो है हम उसी दिन नहीं पहनते हैं, हम पूजा पाठ जहाँ करते हैं वहीं चढ़ा देते हैं, और उसके बाद से जीतिया को हम जो है पारण के दिन उसमें गांठ लगाते हैं, जितने बच्चे हैं उतना गांठ लगाते हैं, और गांठ लगाकर बच्चों के गले में पहले डाल देते हैं सभी बच्चों के, और उसके बाद माँ जो है पहनकर फिर जो भोजन करती है। ठीक है, तो 7 तारीख को हमें पारण करनी है। पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछेंगे, तो देखिये पारण का शुभ मुहूर्त इसमें जो है ना, जितना ही लेट से जितना देर तक आप रह सकते हैं, जितना सहन कर सकते हैं उतना देर तक रहकर आप लोग पारण कर सकते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त सूर्योदय के साथ ही हो जाता है, तो कई लोग जाई घुटते हैं, कई लोगों के यहाँ दूध पिया जाता है फूक फूक के, और कई लोग जो है कड़ी बड़ी पकौड़ी चावल सब बनाकर फिर वहां अपने सास को पूजा चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद जो है वहीं बैठकर खाते हैं। जीतिया व्रत में कभी भी बासी भोजन आपको नहीं करनी चाहिए, गर्मा गर्म आपको भोजन करनी चाहिए, जो भी आपके यहाँ खाया जाता है वही खाकर गर्म, कभी भी गर्म भोजन आपको गर्मा गर्म खानी चाहिए, ठंडा और बासी भोजन जीतिया व्रत में पारण के दिन नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और सर्गी के दिन आप लोग देख लीजिएगा, और मछली वगैरह आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो आप लोग बना खा लीजिएगा, अपने पूर्वजों को चढ़ा दीजिएगा। केले के पत्ते पे नियम तो है, तरुई के पत्ते पे, झिंगनी के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, अगर मिले तो उसी पर चढ़ाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अगला नियम आपको क्या ध्यान रखनी है, जीतिया व्रत के दिन कभी बच्चों के ऊपर हाथ वगैरह ना उठाए, मारे वगैरह नहीं, क्योंकि ये जो व्रत है ना ये बच्चों के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।